आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मॉल बिजनेस आइडियाज के बारे में, क्यों और ये साला मायाजाल अभी हम लोग जो है फैला के रखे हुए हैं। जैसे कि हम लोगों के पास आपको काफी सारे मसाला के अनगिनत फ्रैगनेंस देखने को मिलेंगे। जैसे ये है रुद्राक्ष हो गया, आगे मैं बात करूं तो ये श्री गणेश पैकेट हो गई, ये हमारे पास है गुलाब की पंखुड़ी अगरबत्ती जिसको हम कहते हैं, काफी अच्छा रिक्वायरमेंट कस्टमर का होता है। ये है लैवेंडर प्यू, आपको कलर्स में मिलेंगे जेड ब्लू जो कि मसाला अगरबत्ती है। आगे मैं बात करूं तो एक मल्ली का प्रोडक्ट है, एक अच्छा खुशबू है, एक अच्छा फ्रेग्रेंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आगे मैं बात करना चाहूं तो ये है हमारे पास कांसी जो कि बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है एक रीजनेबल प्राइस में, और इसी के साथ एक प्रीमियम जो कि हमारे पास है ये मैसूर सैंडल। तो ये अच्छा ऑप्शन होता है कि इसमें एक छोटा सा लेबल प्रिंट आप कर लो, नाम एड्रेस और प्रोडक्ट का नाम, बस ये दो चीज़ें आपको देनी है, आपका पैकेजिंग जो है रेडी। और एक अच्छा कम बजट में एक सस्ते दामों में जो है आपका ब्रांड भी इसमें बन जाता है, बिना कोई रिस्क अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चाहे आप पैकेजिंग चाहते हो या फिर स्मॉल बॉटल्स आपको चाहिए, बड़ी बॉटल्स चाहिए या फिर मीडियम रेंज की जो है इस टाइप की बॉटल्स आपको चाहिए, तो इसमें भी आप जो है काम कर सकते हैं। फिर जो है सबसे पहले आपको इस नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जैसे कि आप जानते होंगे कि नए वर्ष की जो है शुरुआत हो चुकी है, और इसी के साथ जो है नए वर्ष की शुरुआत होने के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों की भी हम भी आज के इस वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं। तो फिर जो है क्या ऐसी नई चीज़ें हैं जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, और देखा जाए तो आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, और ये साला मायाजाल अभी हम लोग जो है फैला के रखे हुए हैं। बेसिकली जो है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मॉल बिजनेस आइडियाज के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स का ये कहना था कि सर जो है साल तो जो है बदलते रहेगा, लेकिन हमारे जीवन पे व्यापार कब बदलेगी या फिर कब जो है हम एक छोटे स्मॉल बिजनेस की शुरुआत करेंगे। तो इसी चीज के लिए आज जो है हम लोग एक छोटे से स्मॉल बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेंगे, तो प्लीज चैनल आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। अभी के टाइम पे हमारे भारत में काफी सारे ऐसे लोग जो कि एक छोटे बिजनेस की तलाश में रहते हैं, जो कम इन्वेस्टमेंट में एक सही बिजनेस हो, एक सही रास्ता हो, कहीं ये ना हो कि हमने कुछ पैसे लगा के बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया लेकिन कुछ दिन जाके वो फेल हो गया या फ्लॉप हो गया। ऐसा नहीं, मैं एक आइडियाज ऐसे आज आपको देने वाला हूं जो कि लॉन्ग टाइम चलने वाला है और कंटिन्यू चलने वाला है, जरा आपको थोड़ी सी उसमें मेहनत जो है करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी काफी कम होगा, और इसका स्टेप बाय स्टेप चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं। फिर जो है फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो है वो है रॉ मटेरियल्स की। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा रॉ मटेरियल जिसे आपको बेचना होगा, सेल करना होगा, तो वो हमारे पास क्या है, जैसे कि हम लोगों के पास आपको काफी सारे मसाला के अनगिनत फ्रैगनेंस देखने को मिलेंगे। जैसे ये है रुद्राक्ष हो गया, आगे मैं बात करूं तो ये श्री गणेश पैकेट हो गई, ये हमारे पास है गुलाब की पंखुड़ी अगरबत्ती जिसको हम कहते हैं, काफी अच्छा रिक्वायरमेंट कस्टमर का होता है। ये है लैवेंडर, और आगे मैं दिखाते जाता हूँ जोगा की थोड़ी सी शॉर्टेज ली है। ये हमारे पास केवड़ा फूल, आगे हम और बात करें तो और पैकेजिंग और काफ़ी सारे अलग अलग एट्रैक्टिव आपको कलर्स में मिलेंगे, जेड ब्लू जो कि मसाला अगरबत्ती है। आगे मैं बात करूं तो एक मल्ली का प्रोडक्ट है, एक अच्छा खुशबू है, एक अच्छा फ्रेग्रेंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आगे मैं बात करना चाहूं तो ये है हमारे पास कांसी जो कि बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है एक रीजनेबल प्राइस में, और इसी के साथ एक प्रीमियम जो कि हमारे पास है ये मैसूर सैंडल। इसके काफ़ी सारे वीडियोस आपने तो रेगुलर देखे ही होंगे, जो नए होंगे या फिर जो नया हमारे चैनल पर विजिट किए होंगे उसके लिए ये चीज़ें हैं। ये स्वीट वनीला है जो कि एक स्वीटनेस और एक अच्छी खुशबू के साथ ये फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलेगा। तो फिर जो है ये है हमारे पास मटेरियल जो कि एक गुड क्वालिटी में एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस और अच्छी क्वालिटी की आपको मसाला अगरबत्ती मिलेंगी, वो भी काफ़ी सारे जो है अलग अलग फ्लेवर्स में। और फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, सेकंड स्टेप क्या होता है, पैकेजिंग का सॉल्यूशन। पैकेजिंग क्या है भैया, तो पैकेजिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। स्टार्टिंग मैं छोटे से करता हूँ, ये छोटी पन्नी आपको मिलेंगी, इसमें भी पैकिंग किया जा सकता है, और जो है कुछ इस तरीके से आपको एक लेबल स्लिप ही लगाना होगा। मैं अल्टरनेटिव बहुत सारे आपको पैकेजिंग के सॉल्यूशन देने वाला हूँ।
ये एक होता है हमारा मेटेलिक पाउच, जिसमें काफी सारे अलग अलग कलर आपको मिल जाते हैं। एक प्रीमियम पाउच होता है ये, और दिखने में काफी आपको यूनिक और अलग जो है दिखने को मिलेगा। जैसे कि आपने देखे होंगे तो रेडीमेड में काफी सारे प्रिंटिंग होता है, बेंगलोर का जो है नाम और एड्रेस होता है, तो वो मजा नहीं आता। तो ये अच्छा ऑप्शन होता है कि इसमें एक छोटा सा लेबल प्रिंट आप कर लो, नाम, एड्रेस और प्रोडक्ट का नाम, बस ये दो चीजें आपको देनी है, आपका पैकेजिंग जो है रेडी। और एक अच्छा कम बजट में एक सस्ते दामों में जो है आपका ब्रांड भी इसमें बन जाता है बिना कोई रिस्क के। जैसे भी आपको किसी भी टाइम पे नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, लोकेशन चेंज करना है, खाली लेबल स्टिकर आप चेंज कर दीजिए, सारा प्रोसेस चेंज हो जाएगा, तो इसका एक बेनिफिट होता है। सो फिर एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि किस तरीके से जो है हम इस चीजों को पैकेजिंग कर सकते हैं और एक अच्छा हमारे नाम से जो है ब्रांड हम बना सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, ये है हमारा बेसिक मटेरियल जिसे हम पैक करेंगे। यहाँ पे आपको पैकेजिंग मटेरियल दिखेंगे जिसमें पॉलीथीन्स होंगे अलग अलग तरीके के कलर्स में, और आपको पैकेजिंग मटेरियल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर बॉटल्स में आपको पैक करना चाहे तो बॉटल्स में इस तरीके की बॉटल्स मिल जाएंगी, बड़ी वाली बॉटल्स मिल जाएंगी। उससे अलग डिजाइंस पे आपको चाहिए अलग डिफरेंट टाइप के बॉटल्स में, तो वो भी मिल जाएंगी। और नहीं तो आपको सिल्वर पैकेजिंग भी काफी सारे लोग जो है पसंद करते हैं, तो वो भी मिल जाएंगी। तो सारी चीजों को छोड़ के सबसे पहले हम करते हैं एक पैकेजिंग का प्रोसेस। ये हमारी सैंटेड जो है मसाला अगरबत्ती की प्रीमियम क्वालिटी की अगरबत्ती है, और ये हमारे पास अभी जेड ब्लू। छोटा सा प्रोसेस हम जेड ब्लू से ही कर लेते हैं। यहां से आपको इसी तरीके से जो है केजी में लूज पैकिंग मिलेंगी, और इस लूज पैकिंग को अपने तरीके से किसी भी पैकेजिंग में आप कर सकते हैं। सपोज अभी हम लोग एक स्मॉल प्रोसेस करने वाले हैं जिसमें डायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं, अभी किसी भी तरीके से वेटिंग वगैरह हम लोग नहीं कर रहे हैं। सपोज हमने जो है इस तरीके से जो है पाउचेस में डालने हैं, तो कुछ इस तरीके से हम पैकिंग कर देंगे, और पैकिंग करने के बाद ये हमारा लेबल लगी हुई है, इसमें बेसिक जो फ्रेग्रेंस है उसको लेबल करके यहाँ से हमको खाली सील करनी है। पहला फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप बाय द वे हमें करनी है किसी भी तरीके से जार या फिर बॉटल्स में पैकेजिंग। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ से हमने एक वेट रख लिया, एवरेज जो है 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक इस बॉटल में अगरबत्तियाँ फिल हो जाती हैं। एक छोटा एग्जाम्पल हम लोग डालते हैं, बाय द वे हम एक क्वांटिटी में यहाँ पे अगरबत्ती ले लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे हमें ये फिल कर लेनी है। ये जो बॉक्सेस है इसे जो है कैप को लगा देना है, और यहाँ से जो है एक स्टेप होता है हमारा ये स्टिकर प्रिंटिंग का। इस तरीके से अपने नाम से आपको स्टिकर्स भी दी जाएंगी पूरी कंप्लीट, और यहाँ से आपको ये लेबल स्टिकर निकालना है। आपका सिर्फ आपके कंपनी का नाम होगा, और फ्रेग्रेंस का जो है फ्लेवर होगा, और एड्रेस और मोबाइल नंबर देना चाहो तो दे सकते हो, कुछ नहीं करना आपको। कुछ इस तरीके से आपकी ये लेबल होगी, और बस इसमें आपको एक साइज के हिसाब से यहाँ पे स्टिकर जो है कर देनी है। कुछ इस तरीके से जो है आपका इसमें पैकेजिंग जो है रेडी हो गया। और नहीं आपको लगता है कि नहीं इससे बड़ा डिब्बी होनी चाहिए, तो ये बड़ा बॉटल्स जो है इसमें कुछ इस तरीके से आप पैकेजिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो है एक लास्ट और सस्ता ऑप्शन होता है, ये हमारे पास बपो पैकिंग। करना कुछ नहीं होता, ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन होता है, और ये भी प्रीमियम जो है लुक दे देता है। इसमें खाली हम लोगों को इस तरीके से रखनी है, कुछ जितनी भी क्वांटिटीज हमको अगरबत्ती लेनी है उसको कुछ इस तरीके से हम जो है पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से हमने इसको लेबल सेट कर लिया। यहाँ से जो है हम ये जो लॉक है ये लॉक हमने हटा लिया। लॉक करने के बाद इसे जो है कुछ इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। लगाने के बाद ये हमारा जो है पूरी तरीके से पैकेट जो है रेडी है। देखो देखने में कितना अच्छा ये लग रहा है, और सुंदर भी ये दिख रहा है। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है, ये है हमारा स्टिकर। इस स्टिकर को एक अच्छे पोजिशनिंग से, तो ये हमारा स्टिकर भी यहाँ पे लग चुका है। और इसके बाद आप इसे देखिए कितना बढ़िया सा ये आपका एक अच्छा सा यूनिक और सस्ते कम खर्चे में लो इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा ब्रांड आपका जो है रेडी हो गया। तो आप किसी भी तरीके से इसे मार्केट में आप जो है छोड़ सकते हैं। सो यही है कुछ इस तरीके से, आपको चाहे ये पैकेजिंग चाहिए या फिर ये चाहिए, या फिर आपको कुछ इस तरीके के पाउचेस में पैकेजिंग करनी है,
ऑप्शन काफी सारे हैं, आपको सिर्फ जो है चूज करना है। चाहो तो सारी कैटेगरीज में अलग अलग जो है पैकेजिंग काम अलग अलग पैकेजिंग में भी आप चीजें कर सकते हैं, सारी चीजें आपको मिलेंगी बॉक्सेस के कुछ इस तरीके के। तो फिर जो यही है आज का हमारा मसाला अगरबत्ती का स्मॉल बिजनेस आइडिया। आइडिया तो आपको समझ में आ गया, आप बोलोगे कि भाई इसमें कमाई क्या होगी, मार्जिन क्या होगा, कि ऐसा ना हो कि हमने चीजें खरीद ली बाद में हमको लॉस हो गया या हम किसी भी तरीके से नहीं बेच पाए। सारी चीजें तो सही है, सब चीज सही है कि आपका पैकेजिंग अच्छा है, मसाला अच्छा है, पैकेजिंग का मटेरियल अच्छा है, भाई इसको किस तरीके से जो है हम लोग बेचेंगे और इसमें प्रॉफिट क्या आएगा। तो ये जो है एक ही वीडियो में चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती, अगले आने वाले वीडियो का आप इंतजार जरूर कीजिए जिसमें एक बेसिक पैकेजिंग पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बस एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपका स्मॉल बिजनेस आइडिया जो है स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट ही नहीं, एक लॉन्ग विजन आप बना के चलेंगे तो ये बिजनेस आपके लिए इजिली भी होगी और कमाई भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो यही है, कुछ हमारा सहयोग, कुछ आपका सहयोग, फिर बिजनेस जो है स्टार्ट और जो है आपका बिजनेस करने का जो है सपना वो भी पूरा जरूर होगा। इसके बाद काफी सारे हमारे पास और अलग अलग जो है बिजनेस के आइडियाज हैं। अगर आपको ये आइडियाज अच्छा नहीं लगता तो आने वाले टाइम पे और काफी सारे बिजनेस के आइडियाज जो कि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ही होगा, ना तो ये धंधा कभी बंद होने वाला है ना कभी बंद होगा। पूजा की चीजें हैं, पूजा करने वाली चीजें हैं, सो हमेशा से चलेंगी। ये दिमाग से आप हटा दीजिए कि कुछ दिन करेंगे बंद हो जाएगा, मार्केट में ऐसा होगा वैसा होगा, ये सारी चीजें छोड़ के बस एक काम में आप फोकस कर लीजिए कि हमको किसी भी हालत में बिजनेस करना है और हमें जो है एक अच्छा ब्रांड वैल्यू भी बनानी है। आने वाले वीडियो का आप इंतजार जरूर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही।